बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ, परिणाम भी आ गया, लेकिन बता दें कि बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार थे सच्चिदानंद राय, जिनको पहले टिकट मिलना था बीजेपी से लेकिन टिकट मिला नहीं, उसके बाद सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय पर्चा भरा और भारी मतों से चुनाव जीत करके आ गए हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी हम निर्दलीय लड़ेंगे या फिर हम अपने तरफ से किसी उम्मीदवार को उतारेंगे, और साथ में ये कह रहे हैं कि जो अभी मौजूदा वक्त में महाराजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनकी मुसीबत जो है हम आगे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे और उनको राजनीति से बिल्कुल ही अलग कर देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय। इसलिए कहा ना मैंने कि निर्णय में अभी मेरे पास 20 महीना समय है उसके तय करने के लिए। अगला लक्ष्य मतलब महाराजगंज लोकसभा, अगर कोई पार्टी आप नहीं देती है टिकट, आप निर्दलीय भी लड़ेंगे? निर्दलीय लड़के जीत के दिखाया ना भाई, मतलब दो लोकसभा था, एक लोकसभा जीतना कौन सी बड़ी बात है? मतलब लक्ष्य 2024 में कैंडिडेट है हमारी ओर से, मैं हूँ कि कोई और है, मेरी ओर से कैंडिडेट है, इसमें कोई संदेह न रखे। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मतलब वर्तमान जो सांसद उनके लिए राह बहुत कठिन होने वाली है। कठिन मतलब नहीं, उनकी राजनीति का अंत होने वाला होगा 2024 के बाद से। वो सांसद विधायक लड़ेंगे, वहां से भी लड़वाऊंगा मैं, अगर वार्ड लड़ेंगे तो वार्ड में खड़ा कर दूंगा। इस तरह की गंदी राजनीति करने वाले राजनीति को जगह। तो सुना आपने सच्चिदानंद राय को, जिन्होंने बड़ा हमला किया है भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर और कहा है कि अगर वो वार्ड का भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ हम प्रत्याशी जरूर खड़ा करेंगे। बता दें कि MLC चुनाव में भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनने वाले थे लेकिन ऐन मौके पर उनको टिकट नहीं दिया गया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए और भाजपा के उम्मीदवार को उन्होंने भारी मतों से हरा दिया। लेकिन अब सच्चिदानंद राय बिहार विधान परिषद की शपथ भी ले चुके हैं और अब भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चे खोल रहे हैं। कहा जा रहा था कि सच्चिदानंद राय जो है चुनाव जीतने के बाद फिर से भाजपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब उनके बयान से पता चल रहा है कि सच्चिदानंद राय भाजपा में शामिल नहीं होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।